हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वह पढ़े थे हमने शूट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ा था? एपिकल शूट ऑर्गेनाइजेशन, प्रेरोसीज, संगठन, उसके कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज का टॉपिक है इस यूनिट से संबंधित, वह है हमारा टिश्यू सिस्टम। क्या है? टिश्यू सिस्टम, जिसको कहते हैं हम ऊतक तंत्र। ठीक है, आज हम यह पढ़ेंगे कि ऊतक क्या होते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, ऊतकों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि जो टिश्यू है, ऊतक है, वह कहते किसे हैं। ठीक है, टिश्यू होते क्या है? जब भी हम देखते हैं कि पूरे पिक्चर प्लांट बॉडी की बात करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि प्लांट बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कोशिका। ठीक है, कोशिका ही एक पादप शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अब क्या होता है कि ये कोशिकाएं, अनेक कोशिकाएं जो है आपस में सम्मिलित होकर, आपस में मिलकर क्या बना लेती है? ऊतक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ऊतक की परिभाषा देते हैं हम। ऊतक किसे कहते हैं? तो ऊतक की परिभाषा है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, विकास, संरचना वे कार्य में कैसा हो? समान हो, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्या है ऊतक की परिभाषा? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, विकास, संरचना, कार्य आदि में क्या हो? समान हो। ठीक है, ऐसा समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक के बारे में बात करें कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक के देखें हम, जो टिश्यू है ऊतक है, ठीक है, उसको यदि हम कोशिकाओं की स्थिति, विकास, संरचना या कार्य के आधार पर देखें, तो ऊतक जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वह कहलाता है द्विभिजोतक। क्या कहलाता है? द्विभिजोतक। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। तथा दूसरे प्रकार के जो ऊतक होते हैं वह होते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्थायी ऊतक, जिनको कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये दो प्रकार के मुख्य रूप से ऊतक पाए जाते हैं पादप में। एक तो होता है मेरिस्टेम और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम के बारे में बात करेंगे, मेरिस्टेम किसे कहते हैं तथा स्थायी ऊतक किसे कहते हैं। तो मेरिस्टेम की बात करें तो मुख्य रूप से, ठीक है, जो मेरिस्टेम होते हैं यह क्या कहलाते हैं? ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसे ऊतक जिनमें क्या हो? निरंतर विभाजन की क्षमता हो। क्या हो? निरंतर विभाजन की क्षमता हो। ऐसे ऊतकों को क्या कहते हैं हम? द्विभिजोतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इधर देखिए जो स्थायी ऊतक है वह क्या कहलाते हैं? जिनमें विभाजन की क्षमता क्या पाई जाती है? अनुपस्थित होती है। विभाजन की क्षमता कैसी होती है? अनुपस्थित। उनको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो जो द्विभिजोतक होते हैं, ठीक है, वह कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं? जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से? जीवित कोशिकाओं से निर्मित होने वाले जो ऊतक हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे मेरिस्टेम कहलाते हैं। जबकि स्थायी ऊतक हैं, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित हो सकते हैं, जीवित कोशिकाओं से या फिर मृत कोशिकाओं से। ठीक है, जीवित कोशिकाओं या मृत कोशिकाओं से निर्मित हो सकते हैं। ठीक है,
है। तो इस प्रकार के ऊतक कौन से श्रेणी में रखे जाते हैं, स्थायी ऊतकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तीसरी बात करें हम जो मृदु ऊतक की होती है, ऐसी होती है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ठीक है, वो कैसी होती है, पतली कोशिका भित्ति ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, तथा स्थायी ऊतकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह कैसी होती है, मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है ठीक है। इस मृदुता की कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली कोशिका भित्ति युक्त होते ही है, तथा स्थायी ऊतक कैसे होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं। द्विजोतक की बात करें कि यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पादप के वृद्धिशील भागों में पाई जाती है। कहाँ पर, जहाँ से वृद्धि होती है, वृद्धि भागों में उपस्थित होते हैं ठीक है, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, वृद्धिशील भागों में उपस्थित होते हैं। जबकि स्थायी ऊतकों की बात करें तो यह मुख्य रूप से किसके निर्माण में सहायक होते हैं, क्या कार्य करते हैं, पादप पाए का निर्माण, इसका निर्माण करते हैं, पादप पाए का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पर छोटी सी समरी है, आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो दोबारा से याद करें, ऊतकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो द्विजोतक वरिष्ठ है और दूसरा क्या है, स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। द्विजोतक क्या होते हैं, जिनमें निरंतर विभाजन की क्षमता होती है, जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, पतली कोशिका भित्ति होते हैं, तथा पादप के वृद्धिशील भागों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता निष्क्रिय हो चुकी हो या अनुपस्थित होती है, उनको नेक्स्ट कैसी कोशिकाओं से निर्मित हो सकते हैं, जीवित या मृत कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, तथा यह पादप पाए के निर्माण में सहायक होते हैं। पर द्विजोतक जो होते हैं, इनको वर्गीकरण पूरा पढ़ेंगे हम। स्थायी ऊतकों की बात करें हम, कि स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, स्थायी ऊतकों को आगे जाकर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं इनमें सरल ऊतक ठीक है, कैसे ऊतक, सरल ऊतक। दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं जटिल ऊतक, जटिल ऊतक। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं रूपांतरित ठीक है, कैसे, रूपांतरित ऊतक, रूपांतरित ऊतक ठीक है। ये तीन प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सरल ऊतकों की बात करें हम, सरल ऊतक किसे कहते हैं, सरल ऊतक होते हैं जो कि समांगी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, समांगी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ऐसे ऊतकों को क्या कहा जाता है, सरल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतकों के अंतर्गत पादपों में कौन कौन से ऊतक आते हैं, वो देखते हैं हम। एक तो आता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मृद ऊतक। दूसरे होते हैं कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा स्थूल कोण ऊतक। और तीसरे प्रकार के जो ऊतक होते हैं वे होते हैं स्क्लेरेन्काइमा ठीक है, दृढ़ ऊतक। ये तीन प्रकार के ऊतक जो होते हैं वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सरल ऊतकों के अंतर्गत आते हैं। पैरेन्काइमा मृद ऊतक, कोलेन्काइमा स्थूल कोण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। जटिल ऊतक जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, जटिल ऊतक जो होते हैं वे अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, अर्थात इनको कह सकते हैं हम विषमांगी कोशिकाओं से निर्मित। किससे निर्मित होते हैं, विषमांगी कोशिकाओं से निर्मित जो समूह है वह क्या कहलाते हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं। जटिल ऊतकों के अंतर्गत दो प्रकार के ऊतक आते हैं जो कि मोस्टली होते हैं, एक तो होता है जाइलम तथा दूसरा होता है फ्लोएम ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, जटिल ऊतकों के अंतर्गत आते हैं। रूपांतरित ऊतक किसे कहते हैं, रूपांतरित ऊतक जो होते हैं वह रूपांतरित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से, रूपांतरित कोशिकाओं से निर्मित होने वाले ऊतक जो है वो क्या कहलाते हैं, रूपांतरित ऊतक कहलाते हैं ठीक है। इनको हम कह सकते हैं विशिष्टीकृत ऊतक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनको हम विशिष्टीकृत ऊतक भी कह सकते हैं, विशिष्टीकृत ऊतक
ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं बाह्य व अंतःस्रावी संरचनाएं। क्या आते हैं इनके अंतर्गत, बाह्य व स्रावी, बाह्य व अंतःस्रावी संरचनाएं, संरचनाएं वह किसके अंतर्गत आते हैं, रूपांतरित उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्थायी उपकरण हमारे इसके तीन प्रकार के उत्तर होते हैं, एक तो सरल उत्तर, दूसरा जटिल उत्तर और तीसरे रूपांतरित या विशिष्टीकरण उत्तर। जटिल उत्तर किसे कहते हैं, समांगी कोशिकाओं के समूह से निर्मित होते हैं। जटिल उत्तर विषमांगी कोशिकाओं के समूह से निर्मित होने वाले उत्तर जटिल उत्तर कहलाते हैं। रूपांतरित या विशिष्टीकरण उत्तर उत्तर किसे कहते हैं, रूपांतरित कोशिकाओं के समूह से निर्मित होने वाले उत्तरों को रूपांतरित उत्तर कहते हैं। सरल उत्तरों के अंतर्गत क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्टेनोकाइमा। जटिल उत्तरों के अंतर्गत जाइलम एंड फ्लोएम तथा रूपांतरित उत्तरों के अंतर्गत क्या आते हैं, बाह्य व अंतःस्रावी संरचनाएं इसमें आती हैं। तो ये क्या है पूरा हमारा उत्तरों का सार है, जो कि हमको पूरा डिटेल से वन बाय वन इसमें स्टडी कर दी है। तो आज का यदि हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है विद्युतक। क्या है, विद्युतक मेरिस्टेम। विद्युतक कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक है। प्रतिरोधक का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार से, ठीक है, प्रतिरोधक का मैनेजमेंट का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो वर्गीकरण देखे हम, पहले प्रकार का वर्गीकरण देखे किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया प्रतिरोधक का, वह है उत्पत्ति व विकास के आधार पर। इसके आधार पर उत्पत्ति व विकास के आधार पर मेरिस्टेम का वर्गीकरण किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है ये वर्गीकरण उत्पत्ति व विकास के आधार पर। जो प्रतिरोधक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। इसके आधार पर उत्पत्ति व विकास के आधार पर पहला जो प्रकार है इसका वह है प्राक विभिजोतक। प्राक विभिजोतक जिसको बोलते हैं हम प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम, ठीक है, ये इसका पहला प्रकार होता है। अब प्राक विभिजोतक कैसे क्या होते रहते हैं? वह ये है भ्रूणीय क्षेत्र से, भ्रूणीय क्षेत्र से विच्छेद होने वाले प्रथम विभिजोतक। प्रथम विभिजोतक प्रोमेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाते हैं? प्रोमेरिस्टेम प्राक विभिजोतक कहलाते हैं, ठीक है। यानी सर्वप्रथम विकसित होने वाला जो उत्पत्ति है, ठीक है, भ्रूण क्षेत्र से जो विकसित होने वाले हैं, सर्वप्रथम विकसित होने वाले जो उत्पत्ति है वह क्या कहलाता है? हमारा प्राक विभिजोतक कहलाता है। प्राक विभिजोतक की जो उत्पत्ति है, मेरिस्टेम की उत्पत्ति है, वो कौन से क्षेत्र से होती है? भ्रूण क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो मेरिस्टेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो मेरिस्टेम, भ्रूणीय विभिजोतक भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारा पहला प्रकार है उत्पत्ति व विकास के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है हमारा वह है प्राथमिक विभिजोतक। प्राथमिक विभिजोतक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभिजोतक किसे कहते हैं? प्राक विभिजोतक यानी प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम से विकसित विभिजोतक को क्या कहते हैं हम? प्राथमिक विभिजोतक कहते हैं। प्राथमिक विभिजोतक कहते हैं, ठीक है, यानी जो प्रो मेरिस्टेम से विकसित होते हैं ऐसे विभिजोतक क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रेरोशीर्ष, मूल शीर्ष, ठीक है, और क्या हमारे अधीचर, ठीक है, इसके अंतर्गत ये है आते हैं। तीसरे प्रकार की जो विभिजोतक देखे हम वह कहलाते हैं द्वितीय विभिजोतक। द्वितीय विभिजोतक जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, ये किसे कहलाते हैं? देखो प्रो मेरिस्टेम से तो क्या विकसित हुआ है? प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम से विकसित होने वाले जो मेरिस्टेम में क्या कहलाते हैं? हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। अर्थात प्राइमरी मेरिस्टेम से, प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप्ड या विकसित मेरिस्टेम, ठीक है, जो डेवलप्ड मेरिस्टेम वो क्या कहलाता है? हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाता है। इसके अंतर्गत में एग्जाम्पल देखने को तो क्या है? प्रोकेंबियम, प्राकेला, ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? प्रोकेंबियम, प्राकेला। तो ये तीन प्रकार हैं जो किसके आधार पर बताए गए हैं? उत्पत्ति व विकास के आधार पर तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रोमेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम, तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम कौन से क्षेत्र से विकसित होने वाला? भूमि क्षेत्र से सर्वप्रथम विकसित होने वाला मेरिस्टेम, ठीक है। प्रोमेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम से
कहलाता है, जो कि आगे जाकर पादपों के अलग अलग भागों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यह है हमारा पहला वर्गीकरण मेरिस्टेम का, उत्पत्ति के विकास के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है हमारा वह है पादपों में स्थिति के आधार पर। इसके आधार पर पादपों में स्थिति के आधार पर जो वर्गीकरण है वह कैसे किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण है वह है पादपों में स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तो यह आपने 11 में पढ़ लिया होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, पादपों में स्थिति के आधार पर। यदि हम देखते हैं तो पादपों में स्थिति देखें तो तीन प्रकार के मेरिस्टेम हमारे इसमें विकसित होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एक पादप का एक अंग है, पादप का एक भाग है, इसमें तीन प्रकार के उद्योतक उपस्थित होते हैं। एक तो ये वाला देखो, ये सबसे ऊपर, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्थित होता है, बिल्कुल शीर्ष पर स्थित होता है। इस मेरिस्टेम को क्या कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, यानी शीर्षस्थ विद्योतक, ठीक है। दूसरा प्रकार का जो होता है लेटरल मेरिस्टेम, कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम, जो कि पार्श्व में पाया जाता है, कहां पर उपस्थित होता है, पार्श्व के भागों में उपस्थित होता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, पार्श्व के विद्योतक। तथा तीसरे प्रकार का जो मेरिस्टेम है वो कहां पर उपस्थित होता है, मध्य नाभि में विकसित होने वाले, स्थायी कवकों में विकसित होने वाले जो मेरिस्टेम होता है वह क्या कहलाते हैं हमारे, इंटरकैलेरी, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, ठीक है। तीन प्रकार के ये हमारे मेरिस्टेम है पादपों में स्थिति के आधार पर, पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, तथा तीसरा है हमारा इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। इसकी बात करें हम किसी एपिकल मेरिस्टेम की बात करें कि एपिकल मेरिस्टेम है क्या, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है मुख्य रूप से कहां पर उपस्थित होता है, मूल शीर्ष व पैरों शीर्ष पर उपस्थित होने वाला विद्योतक है। कहां पर पाया जाता है, तो मूल शीर्ष व पैरों शीर्ष पर उपस्थित जो होता है वह क्या कहलाता है, हमारा एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है। इस एपिकल मेरिस्टेम के कारण क्या कारण होता है, पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, पादप की लंबाई में वृद्धि होती है, इसके कारण एपिकल मेरिस्टेम के कारण। तो ये हमारा पहला मेरिस्टेम है, शीर्ष पर विकसित होने वाले विद्योतक को क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ के विद्योतक कहते हैं, जो कि कहां पर पाया जाता है, मूल शीर्ष में पैरों शीर्ष पर उपस्थित होता है, जिसके कारण पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार का जो मेरिस्टेम है वह हमारा लेटरल मेरिस्टेम, इसके बारे में बात करें, यह कहां पर उपस्थित होता है, पौधे के पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग में स्थित होता है, जिसके कारण पादप की क्या होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है, पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, ऐसे विद्योतक को क्या कहते हैं, हम पार्श्व विद्योतक कहते हैं। तीसरे विद्योतक की बात कर रहे हैं हम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम या अंतर्देशीय विद्योतक, के कहां पर उपस्थित होता है, दो स्थायी ऊतकों के मध्य उपस्थित, कहां पर, दो स्थायी ऊतकों के मध्य स्थित जो ऊतक है उनको क्या कहते हैं, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम या अंतर्देशीय विद्योतक कहते हैं। तो आज हमने जो प्रकार है, दो प्रकार पड़े उत्पत्ति में विकास के आधार पर तथा पादप की स्थिति के आधार पर। आगे विद्योतक का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, जैसे कार्य के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, और भी वर्गीकरण अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।